जय माता दी दोस्तों, मैं राजीव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। दोस्तों आज जो है यहां पे हम लोग बात करने वाले बहुत ही धमाकेदार स्टॉक सिलेक्शन का मेथड, जो कि एक प्रीमियम कंटेंट से भी ज्यादा पावरफुल आज का होने वाला है। यदि आपने इसको अप्लाई किया आप अपने ट्रेडिंग में स्टॉक सिलेक्शन के मेथड्स में, तो बहुत ही आपका एक्यूरेसी जो है काफी हद तक यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये जो वीडियो होने वाला है दोस्तों, जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है स्टॉक सिलेक्शन करते हैं और बाद में जाकर के जब ट्रेड करते हैं उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड होता है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत ही नायाब, मतलब इसको बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस या फिर एक नायाब तरीका है, जिसको यदि आप सही से सेलेक्ट नहीं करते हैं तो वहां पे आपके बहुत ही हाई चांस होता है कि स्टॉप लॉस हिट होने का। तो देखिए स्टॉक सिलेक्शन का जो है यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट बताने वाला हूँ, और जो दोस्तों मैंने आज तक एक्सपीरियंस किया है वो पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा। और अभी जो मैं बताने वाला हूं ना, यदि आपने इसके ऊपर थोड़ा सा भी इंप्लीमेंट किया, सही से काम किया, तो काफी हद तक आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और मैं ऐसा मानता हूं दोस्तों, ये जो है ना, इससे बाहर जो अभी मैं आप लोगों को पॉइंट डिस्कशन करने वाला हूं स्टॉक सिलेक्शन मेथड्स का, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इससे बाहर ऐसे बोल सकते हैं कि आप थोड़ा बहुत जो एनालिसिस वगैरह सब है वो सब है, बाकी जो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड है ऑलमोस्ट 99% जो प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं वो इसी मेथड्स को यूज करते हैं स्टॉक सिलेक्शन का। और जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, वो ये जो एक दो पॉइंट्स है ना, इसको ध्यान में रख करके ही स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, अन्यथा वो स्टॉक सेलेक्ट नहीं करते हैं। इतना पावरफुल चीज मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ, तो चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कशन करते हैं। यदि आप लोगों को लगे कि मैंने आप लोगों के साथ वैल्यू ऐड किया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि आपने कहीं पे कोर्स किया और ये वीडियो देखने के बाद, आप मुझे फीडबैक नीचे में जरूर दीजिएगा कि क्या ये वीडियो में वैल्यू था या फिर नहीं था। चलिए दोस्तों अभी हम लोग एक बार इसको डिस्कशन करना चालू करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए जो जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उस पॉइंट्स को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहला देखिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए हो या फिर आपका स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए हो, यहाँ पे आपको एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन आपको जो यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा वो ये कि आपको जो स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट करना पड़ेगा आपको मंथली चार्ट से। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये मंथली चार्ट से क्यों, मैं तो ट्रेड करने वाला हूं इंट्राडे में, फिर मंथली चार्ट क्यों? यहां तो 5 मिनट का हलचल हमें कैप्चर करना है, 10 मिनट 15 मिनट का, ये मंथली चार्ट का क्यों? दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये वही लोग करते हैं जिनका जो एक सफल ट्रेडर है ना स्टॉक मार्केट में, ये जो दो तीन फॉर्मूला आपको बताने वाला हूं ना, आपको चौंका देगा। यदि आपने पास्ट में कभी अपने चैनल का वीडियो नहीं देखा है और ये पहला वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगने वाला है, और आपने आज तक कभी देखा भी नहीं होगा ये मेथड, आज तक कभी नहीं देखा होगा, ठीक है। तो पहला जो आपको सेलेक्ट करना है वो स्टॉक सिलेक्शन का मेथड यहाँ पे यूज करने हैं आपको, वो मंथली चार्ट में जो है पहला स्टॉक सेलेक्ट करना है आपको यहाँ पे मंथली चार्ट में। अब देखिए मंथली चार्ट में जो है आपको ये जो आपका प्रोसेस होगा, इसका आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा कि ऐसे स्टॉक इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आपको लेना है जो मंथली चार्ट में 1-2 साल से या फिर 3-4 साल से वो स्टॉक, 3-4 साल से वो स्टॉक जो है अप ट्रेंड में हो, 3-4 साल अप ट्रेंड में हो, या फिर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, अप ट्रेंड में हो या फिर वो स्टॉक डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। 3-4 साल मतलब 4 ईयर ऐसे लिख दीजिए जी। आपको यदि डाउन ट्रेंड में आपको शॉर्ट का व्यू बनाना है, तो आपको ये जो है 4 साल जो स्टॉक 4 साल से डाउन ट्रेंड में चल रहा है वो स्टॉक लेना है मंथली चार्ट देख करके। उसके बाद अप ट्रेंड का लेना है तो वो यहाँ पे आपको 3-4 साल से वो ऊपर चढ़ते रहना चाहिए, या फिर वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, कंटिन्यू वे में होना चाहिए, कंटिन्यू वे में, तब जाकर के उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, अपना पहला प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस। अब देखिए इसका जो मैं आपको यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू बताने वाला हूँ, जो मंथली चार्ट होता है दोस्तों उसमें स्ट्रेंथ बहुत ही तेज होता है। यदि उसके वीकली चार्ट और बाकी के जो छोटे टाइम फ्रेम है ना, यदि वो फॉल्स ब्रेक डाउन या फिर वो नीचे गिरता है, तो अंत में उसे मंथली चार्ट को ऊपर का ब्रेक करना है और वो ऊपर जाना है उसको। तो ये होता है मंथली चार्ट का पहला पावर और पहला प्रोसेस कंप्लीट यहाँ पे। उसके बाद जो आपको यहाँ पे देखना है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है, जो भी टाइम फ्रेम है छोटे टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में एनालिसिस करना है, वीकली चार्ट का जो है ब्रेकआउट आपको देखना है, ठीक है।
ब्रेकआउट यहाँ पे देखना है। उसके बाद जो सेकंड ब्रेकआउट होगा, जैसे मान के चलिए कि ये यहाँ पे इस तरह से एक जो है इस तरह से ये वीकली चार्ट में बना रहा है, इसको ब्रेक किया, तो अब यहाँ पे देखिए आप ये वीकली चार्ट का ब्रेकआउट आपको देखना है। उसके बाद आपको डेली चार्ट का यहाँ पे ब्रेकआउट चेक करना है, डेली चार्ट का आपको ब्रेकआउट चेक करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है डेली चार्ट के बाद आपको 1 आवर का जो है कंफर्मेशन लेना है इंट्राडे में हम लोग फाइनली ट्रेड करने के लिए। हालांकि ये जो प्रोसेस होगा ये आपको स्विंग ट्रेडिंग में भी काम आएगा, 3 घंटे 4 घंटे या फिर 1 घंटे का चार्ट लगा करके रेंडमली आप जो नॉर्मल ट्रेड कर सकते हैं 1 घंटे का चार्ट लगा, ये एनालिसिस प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे मान के चलिए कि आपको यहाँ पे जो है 1 घंटे में, जैसे मान के चलिए कि 1 घंटे में यदि कहीं पे रेंज बना रहा है, कहीं पे रिट्रेसमेंट है, तो ये ब्रेकआउट इसका भी 1 घंटे का चेक करना है, और 1 डे का ब्रेकआउट भी चेक करना है, 1 वीक का ब्रेकआउट भी चेक करना है। ये तीनों काम को जो है आपको करना है, और मंथली चार्ट में ब्रेकआउट को छोड़ करके हम लोग ऐसा देखेंगे कि मंथली चार्ट का व्यू जो है वो अप ट्रेंड का होना चाहिए ओवरऑल। तो ये पहला प्रोसेस आपका यहाँ पे होगा स्टॉक सिलेक्शन के मेथड्स में। ये पॉइंट को आपको यदि आप नहीं करते हैं ना, तो आज से इसको अप्लाई करना चालू कर दीजिए। मैं दावे के साथ दोस्तों कह सकता हूं कि आपका एक्यूरेसी नहीं बढ़ा तो मुझे आकर के बोलिए कि मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया, एक्यूरेसी नहीं बढ़ा। अब देखिए ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद आपका इतना समझ तो विकसित हो जाएगा ये 4-5 पॉइंट फॉलो करने के बाद कि आपका जो स्टॉक सिलेक्शन का आगे का मेथड्स होगा वो करेक्ट होगा। भले ही वहां पे स्टॉप लॉस हिट करके 5 मिनट में वो ब्रेकआउट ऊपर हो, लेकिन वो फाइनली ऊपर जाएगा। ये यदि ऐसा करते हैं या फिर नीचे का लेते हैं तो वो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब आप एक डायरेक्शन को क्लियर कर चुके हैं और उसका जो मतलब वो डायरेक्शन होने वाला है वो कंप्लीट है। उसके बाद आपको स्ट्रेटजी लगाना है। अब जैसे मान के चलिए कि ये आपने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, दूसरा प्रोसेस में आपको आपका स्ट्रेटजी यहाँ पे लगाना है, आपको आपका यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाना है। अब स्ट्रेटजी कैसे लगाना है, अब आपने कोई भी स्ट्रेटजी सीखा है, आपका मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी हो या फिर किसी भी चीज का स्ट्रेटजी हो, जो भी आपने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है, वो स्ट्रेटजी आपको यहाँ पे लगाना है। जैसे ब्रेकआउट हो, रिट्रेसमेंट हो, डब्ल्यू पैटर्न हो, एम पैटर्न हो, सिमेट्रिकल पैटर्न हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बनता है, ऐसा जो मैंने बहुत सारे स्ट्रेटजी वगैरह सब आप लोगों के साथ भी शेयर किए हुए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो चीज मैंने शेयर किए हुए हैं। तो ये जो है आपको दूसरा काम यहाँ पे करना है, ठीक है, आपको आपका जो स्ट्रेटजी वगैरह सब है इसको लगा करके वहां पे जो है व्यू बना करके ट्रेड का ऊपर का व्यू क्रिएट करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स को आपको नोट करके चलना है, ये 2 पॉइंट्स को। इसके बाद जो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और मेजर पॉइंट आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बगैर जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है वो हमेशा होने की संभावना रहेगा, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए दोस्तों आपने मंथली चार्ट में जो है, जैसे मान के चलिए कि आपने मंथली चार्ट को हम लोग स्किप कर देते हैं, अभी मंथली चार्ट में सिर्फ हम लोग ओवरऑल देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे इसको, यहाँ पे जो है हम लोग लेंगे वीकली चार्ट से या फिर डेली चार्ट से हम लोग लेंगे। जैसे मान के चलिए दोस्तों ये यहाँ से वीकली चार्ट में वो कंटिन्यू यहाँ से ऊपर चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू यहाँ से चढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट करेगा, इसका मतलब यह है कि यहां से ये रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद इसका ब्रेकआउट ऊपर हो या यहाँ कोई पैटर्न बनाए वीकली चार्ट में, उसके बाद वो ऊपर जाए। तो सबसे पहला जो आपको कंफर्मेशन लेना है वीकली चार्ट को एनालिसिस करना है। वीकली चार्ट का एनालिसिस जो है आपको मल्टीपल यहाँ पे एनालिसिस करना है, वीकली चार्ट का मल्टीपल एनालिसिस यहाँ पे आपको करना है। ये पॉइंट को आप यहाँ पे याद रखिए, ठीक है, यहाँ पे आप याद रखिए इस पॉइंट को कि आपको वीकली चार्ट का, देखिए मल्टीपल एनालिसिस आपको नहीं पता है तो मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर, शायद मैंने बैंक निफ्टी के ऊपर जो एनालिसिस किया हुआ है वो वीडियो जाकर के देख लीजिए, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला होगा, उसको जाकर के देख लीजिए, यदि पॉसिबल हुआ तो मैं आई बटन में आप लोगों के साथ डाल दूंगा वो। तो मल्टी एनालिसिस जो है आप या तो ऐसे कर सकते हैं, सर्च में ऊपर डालिए राजीव RCS या फिर राजीव डालिए मल्टी एनालिसिस लिखिए, वो आपको वीडियो सामने आ जाएगा बैंक निफ्टी का, ठीक है, बैंक निफ्टी या फिर शायद निफ्टी का ऐसे कुछ तो है मल्टी एनालिसिस, तो उसको देख करके आप स्टॉक में अप्लाई कर लीजिए, वो काम करेगा स्टॉक में, ऐसा कुछ भी नहीं। मल्टी एनालिसिस जो थ्योरी होता है वो हर जगह लागू होता है, चाहे फिर आपका फॉरेक्स, कमोडिटी, करेंसी, क्रिप्टो कहीं भी हो, वो हर जगह हर चार्ट पे अप्लाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, मल्टी एनालिसिस एक बार कर लेना है, उसके बाद जो है मल्टी एनालिसिस में ये सब आ जाएगा, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में ये बता रहा हूं। तो यहाँ पे जो है आपको रिट्रेसमेंट पहले चेक करना है कि इसका कहीं रिट्रेसमेंट तो यहाँ से नहीं होने वाला है, कहीं नीचे तो यहाँ पे गिर नहीं रहा है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो सकता है इसका 30%, वो 30% का आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो वो वीडियो मैंने जो डाला हुआ था 30% का, कहीं 30% ये रिट्रेसमेंट तो नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो आप इसका ये रिट्रेसमेंट चेक कर दीजिए। पहला कंफर्मेशन आपको जो यहां पे लेना है ठीक है, वो रिट्रेसमेंट का लेना है ठीक है, पहला कंफर्मेशन रिट्रेसमेंट का लेना है आपको वीकली चार्ट में, ठीक है वीकली चार्ट में। उसके बाद जो दूसरा कंफर्मेशन लेना है वो लेना है डेली चार्ट में रिट्रेसमेंट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने ये पॉइंट में बाय किया, ये पॉइंट में आपने यहाँ पे बाय किया, जैसे मान के चले कि आपने मार्केट अभी जो है यहाँ से ऊपर गया और ये पॉइंट से मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि ये पॉइंट में रिट्रेसमेंट पे है और आपने यहाँ पे बाइंग का व्यू बना रहे हैं ऊपर का और बाद 5 मिनट इंट्राडे में आप बाइंग का व्यू बना रहे हैं, पता चला बाद में वो नीचे गिर करके स्टॉप लॉस आपका हिट कर दिया। तो ये पॉइंट को आपको यही वही प्रोसेस को आपको वापस जो है डेली चार्ट में करना पड़ेगा, मल्टी एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको इसको देखना पड़ेगा कि इसका रिट्रेसमेंट तो कहीं नहीं हो रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आवरली चार्ट लगाना है, 1 आवर का चार्ट उसके बाद आपको यहाँ पे लगा करके चलना है, 1 आवर का चार्ट आपको यहाँ पे लगा करके चलना है। अब 1 आवर के चार्ट में आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट में आपको यहाँ पे जो है इसका जो है लेवल्स देखने हैं कि ये लेवल्स ब्रेकआउट कर रहा है, ये ब्रेकआउट लेवल ये जो लास्ट हाई होगा जिसको हम लोग FHLL के FHLL थ्योरी में हम लोगों ने इसको बात किया हुआ है, तो इसका जैसे मान के चलिए कि ये इसने हाई बनाया और इसको ब्रेक कर रहा है तो ये पॉइंट पे आप जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं 5 मिनट का चार्ट लगा करके, ठीक है 5 मिनट का चार्ट लगा करके। तो इसका भी रिट्रेसमेंट कंफर्म करना आपके लिए जरूरी होता है। अब मान चलिए कई बार क्या होता है, आपने 1 घंटे का चार्ट देखा और 1 घंटे के चार्ट में ऐसा है कि मार्केट यहां से ऊपर गया और रिट्रेसमेंट इसको ब्रेक कर रहा है, इसको रिट्रेसमेंट पे ब्रेक कर रहा है यहाँ पे, और पता चला कि ये डेली चार्ट में नीचे का व्यू बना रहा है, ये थोड़ी देर के बाद यहां से ऊपर जाएगा और फिर क्या होगा, आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया 5 मिनट का चार्ट लगा करके एनालिसिस करके, थोड़ा सा ऊपर गया और बाद में क्या हुआ मार्केट यहाँ से नीचे गिरते गिरते नीचे आ गया, तो पता चला कि वो डेली चार्ट का वहां पे जो है व्यू नीचे का था और उसकी वजह से आपका यहाँ पे 1 घंटे का आपने फुल कंफर्मेशन ले लिया और 1 घंटे पे आपने ट्रेड लिया और पता चला डेली की वजह से वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये केस अक्सर होता है, हालांकि इसमें भी कुछ मतलब पॉसिबिलिटी होता है, यदि 1:1 का आप टारगेट लेते हैं तो आपका यहाँ पे 50-55% जो है एक्यूरेसी आपका बना रहेगा यहाँ पे 1:1, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं फिर बनता है 50-55%। हाँ, इसी के अंदर यदि आप इंप्रूवमेंट करते हैं, जो कल भी मैंने फिबोनाची लास्ट टाइम जो मैंने डाला हुआ था उस फिबोनाची वाले वीडियो में बताया हुआ था 23% और 30% का जो डार्क सीक्रेट था, तो उसमें मैंने बताया हुआ था, उससे पहले भी एक वीडियो शायद मैंने बनाया उसमें बताया हुआ था शायद। तो ये पॉइंट पे आपको यदि अपने आप को इंप्रूव करते हैं तो ये पॉइंट पे आप जो है ऊपर का व्यू बना करके यहाँ पे चल सकते हैं। तो यहाँ पे एक्यूरेसी जो है आपका 70% के आसपास आ जाएगा। देखिए 70% भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, आपका 70% एक्यूरेसी आया तो ये कोई छोटा मोटा यहाँ पे जो है फिगर नहीं होता है दोस्तों, ये चीज आप लोग ध्यान में रखिए। तो आपको ये 2-3 पॉइंट को भी चार्ट पे चल करके देखेंगे, ये जो 2-3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ठीक है, ये पॉइंट को ध्यान में रखना है। और यदि आप लोगों को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो आप क्या करिए, आप इसको जो है वापस से वीडियो को स्टार्ट करिए और फिर से इसको रिपीट करके देखना चालू कर दीजिए ठीक है। तो मैंने अभी 2-3 पॉइंट के ऊपर ही बात किया हुआ है, मैंने एक तो मैंने मंथली वीकली डेली आवरली का कंफर्मेशन मैंने आप लोगों को बताया है, दूसरा मैंने ट्रेंड बताया हुआ है कि ट्रेंड आपको कंफर्मेशन करना है अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड है, ये मंथली वीकली से ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा आपका ठीक है। अब देखिए जैसे मंथली में 4-5 साल से आप ऊपर का व्यू बना रहे हैं कि 4-5 साल से वो स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपल सा अप ट्रेंड का स्टॉक है, मतलब ट्रेंड आपका कंफर्म है ऊपर का। फिर सिर्फ यहाँ पे जो अप ट्रेंड का स्टॉक होगा इसमें हम लोग सिर्फ बाइंग का व्यू बना करके चलेंगे, चाहे फिर वो इंट्राडे का हो या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, दोनों में से दोनों का व्यू जो है आपका सेम होगा, सिर्फ ऊपर का व्यू होगा, शॉर्ट का बिल्कुल भी व्यू आपको क्रिएट नहीं करना है यहाँ पे, ये चीज आप ध्यान में रखिए ठीक है, शॉर्ट का व्यू बिल्कुल भी नहीं क्रिएट करना है। तो ये पॉइंट आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना पड़ेगा सारे मेंबर्स को। चलिए तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग एक सेकेंड, चलिए तो अभी जो है अब हम लोग एक बार चलते हैं यहाँ पे, आप देखिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है। आप देखिए मैं आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक का लिस्ट देता हूँ, ये देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि ये मेरे लिस्ट में अप ट्रेंड लाइन, ये आपको अप ट्रेंड लाइन ऐसे ही लिखा हुआ, ये जो है अप ट्रेंड का स्टॉक जितने भी है वो सारे के सारे ये जो है आपको अप ट्रेंड के स्टॉक है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये सारे के सारे अप ट्रेंड के स्टॉक है, ये सारे के सारे अप ट्रेंड के, ये सारे के सारे जो है अप ट्रेंड के स्टॉक है। इसमें एक आध स्टॉक होगा जो शायद डाउन ट्रेंड का होगा, बाकी वो फ्लैट होगा, बाकी सबके सब अप ट्रेंड के स्टॉक है और भी है इसके अलावे भी। तो ये स्टॉक्स को आप एक बार देख लीजिए कौन कौन सा स्टॉक है, इसका नाम देख लीजिए, उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये सब कुछ मेजर स्टॉक्स को आपने पोर्टफोलियो में रखिए 4-5 स्टॉक, या फिर FNO के लीजिए ठीक है, FNO का लीजिए स्टॉक सिलेक्शन। अब देखिए ये स्टॉक जो आपका होगा ना दोस्तों, ये अब मैंने ऐसा नहीं है कि आप लोगों के लिए सिंपल सा बता दिया कि ये अब खत्म हो गया, यहाँ पे आपको जो है ना ये इसके बेसिस पे आपको हमेशा ट्रेड करना है, मतलब आपको हमेशा जो है
ऑल टाइम आपको ये स्टॉक पे ट्रेड करना है और इसको आपके पोर्टफोलियो में जो है लिख करके रखना है और इस पे आपको हमेशा ट्रेड का व्यू क्रिएट करके चलना है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा मेरा जो है फेवरेट स्टॉक जहां पे आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर दिखेगा, और अभी जो रिसेंटली जो मैंने ऐड किया हुआ है वो मैंने ऐड किया हुआ है इन्फीको, ठीक है। इन्फीको आप लोग ये ग्रुप में जाकर के जब चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है आपको वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैं इन्फी का भी आजकल जो है थोड़ा ऐड कर यहाँ पे आप लोगों के साथ डालना स्टार्ट किया हुआ है, तो ठीक है अभी वो ओपन दिख नहीं रहा है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे पहले मंथली चार्ट लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको आ जाना है नीचे में जो भी आपका है, यहाँ पे 44 वीक का ऐड किया हुआ है, मैंने मंथली चार्ट लगा लिया। अब क्या करना है ऐसा देखिए, अब देखिए यहाँ एक पॉइंट में आप लोगों को यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक बहुत ही बेहतरीन चीज में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग सोचिए, थोड़ा सा कल्पना कीजिए, थोड़ा सा मतलब कल्पना कीजिए, देखिए थोड़ा सा आप लोग जो है यहाँ पे कल्पना कीजिए, ठीक है। कल्पना क्या कीजिए, अभी देखिए ये मेरे पास जो है ना ये मंथली चार्ट है, ये पूरे के पूरे मंथली चार्ट है, ये पूरे के पूरे मंथली चार्ट का एनालिसिस है, ये मंथली चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो अब आप थोड़ा सा सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए कि यदि किसी इंसान ने यदि मंथली चार्ट देख करके आंख बंद करके किसी भी ब्रेकआउट पॉइंट पे बाय किया होता तो उसका आज तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, रिवर्सल होता तभी स्टॉप लॉस वहां पे हिट होता, बाकी आज तक रिवर्सल हुआ ही नहीं है। ये जो अप ट्रेंड के स्टॉक है ना, मैं आपको इसका पावर दिखाता हूं, मैं अभी स्विंग में दिखाता हूं, बाकी इंट्राडे में भी चलेंगे हम लोग, अभी निभालेंगे उसको एनालिसिस करते हुए चलेंगे। अब देखिए ये पॉइंट में जो है आप देखिए इसका 58 रुपए के आसपास यहाँ पे प्राइस दिख रहा है, ये लगभग 1996 के आसपास में 62-63 रुपए जो भी इधर 64 रुपए का हाई दिख रहा है। अब देखिए ये यहाँ से देखिए ये मंथली का है, वीकली चार्ट अगर देखिए और मजा आएगा आपको। ये देखिए यहाँ पे यदि मैं इसको थोड़ा सा साइड करूं, अब देखिए यहाँ से ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया, ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री होता है स्टॉप लॉस, यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट किया, यहाँ पे सेकेंड एंट्री, वापस स्टॉप लॉस इसके नीचे, अब वापस यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे एंट्री स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ, मार्केट से आप एग्जिट कर लीजिए, जब यह हाई को मार्क कीजिए, यह हाई को मार्किंग कीजिए, जब जब इसको ब्रेकआउट होता है, जब जब इसका ब्रेकआउट होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इधर ब्रेकआउट हुआ, ये हाई को मान के चलिए, ये हाई पे ब्रेकआउट हुआ, स्टॉप लॉस इधर कहीं लगा करके रखिए जहां लगाना है। उसके बाद आप ध्यान से देखिए कि आज तक कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है यहाँ नीचे है। देखिए अभी ध्यान से इसको देखते चलिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या कभी स्टॉप लॉस हिट हुआ है क्या, ये ब्रेकआउट मंथली चार्ट का ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, अब देखिए ये ब्रेकआउट, इसलिए इसको ब्रेक किया नहीं, जब भी ब्रेक करता तो वापस ये चढ़ता जाएगा, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा, इसके नीचे लग जाएगा, यहाँ पे इसको ब्रेक करता ये मेजर होगा तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लगेगा। तो आप सोचिए कि ये है मंथली चार्ट का पावर और ये है अप ट्रेंड का पावर, कि आज तक उसका स्टॉप लॉस यदि किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होता ये चार्ट को देख करके तो आज तक कभी उसका स्टॉप लॉस, ये एक स्टॉक नहीं दोस्तों, ये जो लिस्ट है ना, ये लिस्ट निकालिए और अभी इसको चेक कीजिए, ये सारे जो लिस्ट आपको दिख रहा है ना जितने भी अप ट्रेंड के हैं, आपको ये सारे स्टॉक निकालिए और इसको चेक करिए आप एक एक करके। ये देखिए आप ध्यान से देखिए, ये स्टॉक का प्राइस आप इधर ब्रेकआउट देखेंगे ना, ये ब्रेकआउट इसका प्राइस 98 रुपए और आज इसने लास्ट में 1500 और 1219 के 1200 के आसपास जो है ये अभी ट्रेड कर रहा है। आप सोचिए कि ये आज तक कभी यहां से नीचे गिरा ही नहीं, ऐसे स्टॉक को आपको ट्रेड करने के लिए लेना है इंट्राडे के लिए। ये मैंने स्विंग का दिखाया, अब आप बोलेंगे अच्छा ये आपने तो दिखा दिया फिर है क्या इसके, आपने तो दिखा दिया लेकिन मुझे नहीं दिखता, आप मंथली चार्ट लगा करके देखिए फिर देखेगा आपको, मंथली चार्ट लगा करके देखिए उसका, इसको वीकली चार्ट में डालिए, जितने भी स्टॉक है ना जितने भी, ये देखिए मैंने टॉप गेनर यहाँ पर लिस्ट डाला, ये 1 2 3 4 ऐसे सीरीज में आ रहा है, ठीक है। बजाज फाइनेंस लीजिए, बजाज फिनसर्व लीजिए, ऑटो लीजिए, उसके बाद नेस्ले लीजिए, देखिए टीसीएस लीजिए, ये सब अप ट्रेंड के स्टॉक है, टाइटन लीजिए, डाबर लीजिए, आपको ये जितने भी है बजाज, आपको हेबल्स जो भी है, हालांकि LIC इसका थोड़ा सा साइड कर दीजिएगा, LIC हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा सा वो है, ठीक है। ये देखिए BEL, अल्ट्राटेक, नौकरी, ये गोदरेज प्रॉपर्टी, EPL, ये देखिए देखिए यहाँ पे एक्सिस बैंक, श्री सीमेंट, एम्फसिस, HDFC, ये सारे स्टॉक देखिए ना, इफिट लाइट और भी है इसके इसके अलावा और भी है। देखिए मैंने यहाँ पे एक कंफर्मेशन ले लिया, जैसे मान चलिए, देखिए मैं अभी स्ट्रेटजी तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है ये एक बार एनालिसिस मैं शेयर कर देता हूँ, ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पे ये पॉइंट में ब्रेकआउट हुआ, आपको एक बार देख लेना है कि इसका रिट्रेसमेंट ये पॉइंट से या फिर ये पॉइंट से रिट्रेसमेंट एक बार चेक कर लेना है इसका, ठीक है, वीकली चार्ट का रिट्रेसमेंट चेक कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है,
वीकली चार्ट का जैसे मान चले कि यहाँ से ऊपर गया, ये नहीं कि आपने इधर कहीं एंट्री का व्यू क्रिएट कर रहे हैं, वो एनालिसिस कर रहे हैं, पता चला कि वो नीचे गिर गया। तो ये कंफर्मेशन आपको यहाँ पे लेना जरूरी है कि इसका, इसके बारे में हम लोग आगे चल करके कभी डिस्कशन करेंगे इसका वो। इसके बाद डेली चार्ट लगा लेना है, डेली चार्ट में आप देख लीजिए कि क्या व्यू क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक बार आप डेली चार्ट लगा करके यहाँ पे देखिए कि डेली चार्ट में क्या व्यू क्रिएट कर रहा है। अब जैसे मान के चलिए कि यहाँ से आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इतना ऊपर चढ़ा है और इधर कहीं आप व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो वहां से रिट्रेसमेंट की पॉसिबिलिटी होती है, जिसकी वजह से लोग ऐसे कंडीशन में सोचते हैं कि मार्केट एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद आप जो है थोड़ी देर के लिए, थोड़ा टाइम के लिए रुक जाइए, उसके बाद एक बार सेटल होने मार्केट को, रिटर्न यहाँ से वहां से लगा कर चलेंगे, आपको पता चलेगा, उसके बाद आप ट्रेड का व्यू क्रिएट कीजिए। तो ये एक कंफर्मेशन आपको लेना है। उसके बाद जो दूसरा एक घंटे का लेना है, जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे आपको अभी तो रेंडमली हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अभी तो हम लोग रेंडमली देख रहे हैं, हालांकि आपको पूरा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है, मैंने बनाया हुआ वीडियो वो जाकर के देखिए, ठीक है। ये देखिए, जैसे मान के चले कि आपने ये पॉइंट पे, अब देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ा और आप ऐसे कंडीशन में ट्रेड कर रहे हैं, एक घंटे में भी तो थोड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको देखिए कि ये ब्रेकआउट होता है इसके हाई के ऊपर, इधर कहीं व्यू क्रिएट करके चलिए ऊपर का, 5 मिनट का चार्ट लगा करके, 10 मिनट, 15 मिनट, जो भी टाइम फ्रेम आप यहाँ पे यूज करते हैं, वो टाइम फ्रेम लगा करके जो है आप इसके ऊपर ट्रेड का व्यू क्रिएट करना जो है आप यहाँ पे चालू कीजिए। तो दोस्तों देखिए, बहुत ही ज्यादा मैं इसके ऊपर एनालिसिस नहीं करूंगा, लेकिन जो मैंने आप लोगों के साथ मेथड बताया हुआ है, इसको ऊपर इसके इसको यूज कीजिए, और इसके बाद जो है आगे आने वाले टाइम में आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं इसके ऊपर जो है और भी डेप्थ में एनालिसिस करके, मल्टी एनालिसिस जो है स्टॉक्स में किस तरह से किया जाता है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। इसके आगे जो है आप लोगों को किस तरह से प्रोसेस वगैरह सब करना है स्टॉक सिलेक्शन का, तो ये सिंपल सा मैंने मेथड्स बताया हुआ है। इसके आगे ब्रेकआउट वगैरह सब कैसे आइडेंटिफाई करें डेली वीकली मंथली में, तो वो मल्टीपल एनालिसिस में ही होगा, ये अभी ऐसे नॉर्मल नहीं होगा, वो वीडियो में बनाऊंगा, तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास जो है वो वीडियो बनेगा, तो वो बहुत ही पावरफुल होगा। एक एक ट्रेंड को एनालिसिस करना पड़ेगा, वहां पे ट्रेंड एनालिसिस करना पड़ेगा, दूसरा टाइम एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम थ्योरी में दिया हुआ है, तीसरा वहां पे जो है आपका ये इसका आपको रिट्रेसमेंट एनालिसिस करना पड़ेगा, चौथा वहां पे पैटर्न एनालिसिस पैटर्न देखना पड़ेगा, 5-6 यहाँ पे जो है, ये तो 4 ही दिखा है ना, वहां पे 5-6 जो है आपको इसका इसके अंदर जो है, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह सब वो जो होता है नॉर्मल वो सब लगा करके, उसके बाद जो है सारा चीज वो करके आपको दिखाना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस में जो है लगभग 1.5-2 घंटे के आसपास का जो है वो वीडियो बनेगा। तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा तो मैं आगे चल करके वो वीडियो जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लेगा। तो दोस्तों यदि आपको लगता है कि मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वैल्यू शेयर किया है, तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम लोग यहाँ पे जो है कुछ बड़ा कर सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। थैंक यू दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।